गाइज मोनू ने जेसीबी को ठोक दिया है, इधर लगा दिए इसने स्क्रैच। चलो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज है डे सेकेंड, तो आज मोनू को डायरेक्ट चलवाएंगे। चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो मोनू आ चुका है, अब ये चलाएगा स्कूटर खुद ही और मैं इसके पीछे बैठूंगा। तो इसको जो कि कभी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसको सपोर्ट दूंगा, वरना ये आज खुद ही चलाएगा। दोस्तों, स्कूटर चलाने के यातायात नियमों का पालन करना बहुत महत्वपूर्ण है। मैं कुछ नियम बताता हूँ जो यूजुअली हमें इनका ध्यान रखना चाहिए। हेलमेट ज़रूर पहने, कोई आसपास जा रहे हों या दूर जा रहे हों तो ज़रूर हेलमेट का यूज़ करें, और हो सके तो पीछे वाले को भी पहनाएं, और ट्रिपलिंग राइड ना करें, और हमेशा सड़क के लेफ्ट साइड में चलें, और ट्रैफिक सिग्नलों का भी पालन करें। लाल बत्ती हो तो उस पर रुकना है, और येल्लो हो तो उस पर धीरे चलना है, और ग्रीन हो तो उस पर चलना है। हमेशा इधर उधर देखना चाहिए, चारों तरफ पैदल चलने वाले लोगों का ध्यान और बुज़ुर्ग लोगों का, बच्चों का ध्यान हमेशा रखना चाहिए। कोई आसपास हो तो स्लो चलें। हमें देखना चाहिए हॉस्पिटल, स्कूल, इनके आजू बाजू बहुत कम स्पीड में चलना चाहिए, जिससे कि दुर्घटना से हम लोग बच सकें। और कभी भी ज़्यादातर हॉर्न का यूज ना ही करें तो सही है इन जगहों पे। और फुटपाथ पे ना चलें, फुटपाथ पे चलने से ये खतरा हो सकता है, बैलेंस बिगड़ सकता है और आप गिर सकते हैं, दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं। और स्पेशली मोबाइल फ़ोन का यूज ना करें। अगर आपको इम्पोर्टेंट कॉल या कोई भी चीज़ एक्टिविटी करनी है तो साइड में रुक के आप कर सकते हैं। और स्पीड लिमिट का हमेशा ध्यान रखें, और टर्न सिग्नल का यूज ज़रूर करें। जब लेफ़्ट चलना है तो लेफ़्ट सिग्नल, राइट चलना है तो राइट सिग्नल ज़रूर दें, जो कि आगे पीछे वाले लोगों को भी पता चले और ये उससे पहले आपको जगह दे सकें। और हैजर्ड लाइट का यूज आजकल दो पहिया वाहनों में अधिकतर कर रहे हैं लोग, तो कृपया इसका यूज ना करें। हैजर्ड लाइट का मतलब होता है कि आगे कुछ दुर्घटना है तो आपको रुकना है, तो इससे आजू बाजू के लोग डिस्टर्ब होते हैं, आवाजाही में बाधा डाल सकते हैं, तो कभी भी ऐसा ना करें, ओवर लिमिट ना करें और ये हैजर्ड लाइट का यूज ना करें। और पार्किंग, दोपहिया वाहनों को पार्क करने के लिए आपको सुनिश्चित करना है कि आजू बाजू किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी या आने जाने का रास्ते में ना खड़ा करें जिसमें आवाजाही में बाधा डाल सकते हैं, या कहीं भी इस तरीके से पार्क ना करें कि जो दूसरे गाड़ियों को आने जाने में दिक्कत हो। तो इन नियमों का पालन करने से हम सुरक्षित रह सकते हैं और अच्छे से स्कूटर चला सकते हैं, दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। उनके पास दे दिया है स्कूटर, अब धीरे धीरे बैलेंस बनाने लग गया है। ये देखो गाइस, देखो सेकेंड डे में ही बैलेंस बनाने लग गया है, और कल से हम डायरेक्ट मेन रोड पर निकलेंगे। इधर बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हैं, जेसीबी मशीन ट्रक के साथ। मोनू ने ट्रक के आगे फंसा दिया है, जो कि इससे थोड़ा पीछे नहीं आ पा रहा है। चलो आगे, हाँ ये चलाने लग गया स्कूटर, अब जा रहा है सीधा सीधा। कृपया यातायात नियमों का पालन करें, धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको अच्छा लगे हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।